हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ मटन करी बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान सा और एकदम नया सा तरीका। बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg मटन और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पानी से। लगभग 4 से 5 बार आपको इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो हम निकाल देंगे और इसको रख देंगे साइड में। अब आपको यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेना है और इसमें हम डालेंगे छोटे साइज का टमाटर बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, 15 से 20 कलियाँ हम इसमें डालेंगे। लहसुन की 2 इंच लेंगे हम यहाँ पे अदरक का टुकड़ा और साथ में लेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप की हुई। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 सूखी लाल मिर्च और इसी के साथ में आपको यहाँ पे इसमें डालना है कुछ खड़े मसाले। तो 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर नॉर्मल वाला जीरा, 1/2 चम्मच लेंगे काला जीरा, थोड़ी सी लेंगे यहाँ पे पोस्ता दाना, 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी हम यहाँ पे जावित्री ले लेंगे। अब इन सारे साबुत मसालों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और इस पेस्ट को रख देंगे साइड में। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे प्रेशर कुकर लेना है और इसमें मैंने लिया है 200 ग्राम सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज की प्याज रफली चॉप की हुई और गैस की फ्लेम हाई करके प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। और जैसे ही प्याज हल्की सी पिंक होगी हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता ले लिया है, 7 से 8 हम लेंगे यहाँ पे लौंग, 3 छोटी इलायची लेंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 चक्री फूल ले लेंगे और 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे दालचीनी लकड़ी का टुकड़ा। इन खड़े मसालों को हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब यहाँ पे हम वापस से गैस की फ्लेम हाई करके प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लें और प्याज यहाँ पे क्रिस्पी गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मटन। मटन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और मटन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अच्छी तरह से मटन को कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन का जो कलर है वो ऑफ वाइट हो गया है। इस पॉइंट तक आपको यहाँ पे इसे भूनना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर और साथ ही में डालेंगे हम यहाँ पे 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक 1/2 टीस्पून और बस। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे मसालों के साथ में। पहले आपको मटन को भूनना है और जब जैसे ही ये भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे मसालों का पेस्ट और पेस्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करके इसे भी भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छी तरह से मटन के साथ में भून लिया है और इसमें से मसालों की स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी मटन को गलाने के लिए, लगभग 1 कप के करीब। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कुकर की लिड लगा देंगे। और लिड लगाने के बाद यहाँ पर तकरीबन आपको 10 से 12 मिनट के लिए मटन को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और यहाँ पे मैंने इसे टोटल 15 मिनट पकाया है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर और अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करके इसे चलाते हुए खूब अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से पानी ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से सारा पानी ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी ग्रेवी के लिए। आप यहाँ पे ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और अगर आप ग्रेवी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप इसे भूनने के बाद ऐसे ही सर्व कर लें। और यहाँ पे ग्रेवी लगाने के बाद हम गैस की फ्लेम हाई करके 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट यहाँ पे हो चुका है इसे पकते हुए, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन की ग्रेवी और मटन का टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट आया है और बहुत ही कम टाइम में घर के सिंपल मसालों से हमने इस मटन को बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसे नान के साथ में, कुलचे के साथ में या फिर चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।